अगर हम ही नहीं होंगे तो पगड़ी कौन बांधे। ये शब्द हैं मुनव्वर राणा के, वो मुनव्वर जिनकी आवाज देश ही नहीं दुनिया में गूंजा करती थी, लेकिन अब ये आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई है। जी हाँ, मुनव्वर राणा अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने रविवार की देर रात अंतिम सांस ली। उनका कार्डियक अरेस्ट के कारण निधन हो गया है। वो कई दिनों से बीमार थे, पीजीआई में उनका इलाज चल रहा था। उन्हें किडनी और हार्ट की कई समस्याएं थी, वो लंबे समय से बीमार थे। कार्डियक अरेस्ट के चलते उन्होंने अंतिम सांस ली। इस खबर के बाद उनके चाहने वालों में शोक की लहर है। बता दें कि पिछले साल मुनव्वर राणा को तबीयत खराब होने पर लखनऊ के अपोलो अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। तब भी उनकी हालत इतनी बिगड़ गई थी कि उन्हें वेंटिलेटर पर रखना पड़ा था। उनकी लिखी हुई रचनाएं लोगों को मुंह जबानी याद हैं, लेकिन उनका अचानक इस दुनिया को छोड़कर चले जाना बेहद चौंकाने वाला है। मुनव्वर राणा प्रसिद्ध शायर और कवि थे। उर्दू के अलावा हिंदी और अवधी भाषा में वो लिखते थे। मुनव्वर ने कई अलग अलग शैलियों में अपनी गजलें प्रकाशित की थी। उनको उर्दू साहित्य के लिए 2014 का साहित्यिक अकादमी पुरस्कार और 2012 में शहीद शोध संस्थान द्वारा माटी रत्न सम्मान से सम्मानित किया गया था। हालांकि उन्होंने लगभग एक साल बाद साहित्य अकादमी पुरस्कार लौटा दिया था। लखनऊ से आशीष श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।